हेलो गाइस, वेलकम टू संदीप सर जी के। सुबह के बज रहे हैं 7। अब हम रोज 7 बजे वन लाइनर्स की सीरीज करेंगे, जिसमें हम 10,000 प्लस साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। कितने क्वेश्चंस करेंगे अपन? 10,000, 10,000, ठीक है। साइंस के वन लाइनर्स की ये नई सीरीज स्टार्ट की है। वन लाइनर्स मतलब क्वेश्चंस रहेंगे और उनके आंसर्स रहेंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए कई बार हम ऑप्शंस में क्या होता है, हमको अगर आंसर नहीं पता है तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर कर लेते हैं। बट अगर वन लाइनर्स की आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली ना, नो डाउट आपको कोई भी एग्जाम्स में अगर इन 10,000 में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो आपको डेफिनेटली उनका आंसर पता होगा कि हाँ ये करेक्ट आंसर है। तो वन लाइनर्स करने का एक बेनिफिट ये होता है कि हमको आंसर याद रहते हैं, यहाँ भाई इस चीज़ का आंसर ये था। ऑप्शंस में कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम एलिमिनेट करके भी निकाल लेते हैं बहुत सारी चीज़ें करके, पर वन लाइनर्स की प्रैक्टिस मतलब बाय हार्ट हमें याद है कि इस चीज़ का आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये रोज क्लास आपकी कितने बजे होगी? मॉर्निंग में 7 o'clock पे होगी, 7 बजे होगी, ठीक है। साइंस की वन लाइनर की क्लास सुबह 7 बजे, उसके बाद आपकी 9 बजे संदीप सर जी के एक्सप्रेस लेते हैं। रुको मैं पूरा टाइम टेबल ही बता देती हूँ आपको अच्छे से एक बार। देखिए 7 AM पे अभी ये जो क्लास हो रही है साइंस की वन लाइनर की है, ठीक है। इसके बाद 9 बजे आपकी क्लास होगी एक जीके एक्सप्रेस। यहाँ पे हम फटाफट कितने क्वेश्चंस करते हैं? 20 से 25 क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी जल्दी हम इनको क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये संदीप सर लेते हैं आप लोगों के लिए, संदीप सर की क्लास है ये, ठीक है। इसके बाद एक क्लास होती है आपके 12 बजे, बिल्कुल दिन के 12 बजे होती है ये, मैं लेती हूँ साइंस एक्सप्रेस के नाम से है ये क्लास आपकी। यहाँ पे हम सेम जैसे जीके एक्सप्रेस चल रहा है वैसे ही साइंस एक्सप्रेस है। इसमें क्या हो रहा है आपका, क्या करते हैं हम इसमें साइंस एक्सप्रेस में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। उसके बाद में आपका 4 बजे क्लास चल रही है RRB NTPC के लिए, जहाँ पे हम साथ में कंबाइंड में क्या कर रहे हैं जीके के साथ साइंस कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और 1:30 बजे एक क्लास होती है आपकी फिजिक्स की जो प्रवीण सर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरे दिन का शेड्यूल है। और बहुत जल्द सर शायद खजाना क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। अब हम स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह पढ़ने की बात ही अलग होती है, तो सुबह का पढ़ो हमेशा याद रहता, तो इसलिए मॉर्निंग में 7 o'clock भूलिएगा मत, रोज़ आइएगा क्लास में, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जिनने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप इसको शेयर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, वेयर डज ह्यूमन डाइजेशन वर्क, मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ से शुरुआत होती है, मतलब जो ह्यूमन डाइजेशन है मानव पाचन की क्रिया जो है वो कहाँ से उसकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है, हमारे मुंह से शुरू हो जाती है, मतलब माउथ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ब्लड फ्लोस थ्रू द वेन्स, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। हमारी बॉडी में दो चीज होती है, शिरा और धमनी होती है, जो शिरा है वो कौन सा ब्लड लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड को क्या कौन लेके जाता है, शिराएं लेके जाती हैं। ये क्या है, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं, अनक्लीन नहीं, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त को कौन ले प्रवाहित करता, शिराएं प्रवाहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे, वॉट ब्लड फ्लोस थ्रू द आर्टरी, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो कौन सा, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्योर ब्लड है वो कौन कैरी करता है, आर्टरीज कैरी करती हैं, धमनी कैरी करती हैं, तो जो शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त, ठीक है, वो कौन कैरी करता है, कौन फ्लो कराता है, धमनी से होती है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का कार्य क्या है।
पोटेशियम हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जो भी हमारी हार्ट बीट होती है मतलब जो दिल की धड़कन रहती है वो, और जो हमारी पल्स रेट है उसको वो क्या करता है, हेल्पफुल रहता है, उसको कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स द फंक्शन ऑफ द हार्ट बीट एंड द पल्स। ठीक है, तो पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको इस चीज़ को हम ज़्यादा डॉक्टर्स क्या करते हैं इनटेक कराते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वॉट मेक्स द मसल्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विदाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजनिक उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया से क्या बनता है, क्या बनता है हमारी बॉडी में, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, जो क्रैम्पिंग आती है वो अगर वहाँ पर प्रॉपर नहीं होता तो इसी कारण से होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड के बनने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वॉट इज फॉर्म बाय रिएक्टिंग विद बैक्टीरिया और ईस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विदाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनता है, क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक है, मूत्र का पीएच मान है, द पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन इज 6। ठीक है, क्या होगा, क्या मान होता है, 6 होता है, -6 मत समझना, सिर्फ 6 होता है ना। क्या होती है हमारी जो यूरिन होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है, पीएच वैल्यू पता 7 से कम एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 7 से ज्यादा बेसिक, 7 से कम अम्ली होती है, 7 न्यूट्रल होता मतलब उदासीन, और 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारी नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इन विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन और एंड एंडोक्राइन, बाहरी श्रावी एवं अंत श्रावी दोनों प्रकार का ग्रंथि कौन सी होती है, बताइए कौन सी होती है, द राइट आंसर इज पैनक्रियास। पैनक्रियास जो है वो दोनों टाइप का ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन भी होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बाय वॉट अदर नेम इज द पिट्यूटरी ग्लैंड नोन, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरा हमारे शरीर को कंट्रोल करता है, मतलब पूरी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी क्रिया हमारी बॉडी में होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे दिमाग में प्रेजेंट होता है, और ये किस साइज का होता है, एक मटर के दाने के आकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगाने वाला बल क्या कहलाता है, द फोर्स इट टेक्स टू रिटर्न द स्प्रिंग टू इट्स नॉर्मल लेंथ इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं प्रयत्नयन बल, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपने स्प्रिंग को खींचा, कोई जैसे रबर बैंड है उसको खींचते हैं और छोड़ दो, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो वो जो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आती है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, उस बल को प्रयत्नयन बल बोला जाता है और रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। ठीक है, वो उसकी इलास्टिसिटी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पेट्रोलियम इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ रॉक्स, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, किस टाइप की चट्टानों पे पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच गैस इज यूज टू ब्लो द बलून्स, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, कौन सी गैस होती है, हीलियम, क्योंकि हीलियम क्या होती है, बहुत हल्की होती है, देखा होगा जो गैस वाले बलून्स होते हैं वो बहुत ऊपर तक उड़ के जाते हैं, तो उनमें क्या भरा होता है, हीलियम भरा होता है, हीलियम जो है वो हवा से क्या होता है, हल्का होता है। क्लियर है, इसलिए जिन बलून्स में मतलब ऐसे गुब्बारे जिनमें हवा भरी आती तो ज़्यादा ऊपर तक नहीं उड़ते हैं ना, और जिनमें हीलियम भरी रहती बहुत ऊपर तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which organ is affected by excessive intake of ethanol? Ethanol के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रवाहित होता है, तो कौन सा होता है, लीवर होता है भाई। कोई भी OH ग्रुप अगर आप अपनी बॉडी में कंज्यूम करोगे, ठीक है, चाहे वो इथेनॉल हो चाहे अल्कोहल हो, तो क्या फर्क, क्या खराब होगा, आपका यकृत लीवर में इफेक्ट करेगा। ठीक है, और यकृत एक ऐसा हमारा बॉडी में ऑर्गन है कि जो रीग्रो करता मतलब रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, What is the essential substance found in all acid? सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है, तो क्या मिलता है, जनरली हमको H2 मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। क्लियर है,
नेक्स्ट, विच गारमेंट इज लीस्ट लाइकली टू कैच फायर एंड स्प्रेड, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? कॉटन में होती है, ठीक है, जो मैंने पहना हुआ है कॉटन, कॉटन में आग जल्दी नहीं पकड़ती, और दूसरी चीज़ अगर बाय चांस आग लग गई तो फैलती नहीं, पर जो नायलॉन है या टेरिकॉट है इनमें आग ये बहुत जल्दी ही पकड़ती है और फैलती भी बहुत ज़्यादा, और कई बार इतना बुरा होता है अगर कोई कभी देखा हो आपने सुना हो कि काम करते वक्त अगर कोई महिला ने नायलॉन के कपड़े वगैरह पहने हुए और आग लग गई तो वो बॉडी में चिपक जाते हैं नायलॉन के कपड़े, इसलिए कभी किचन वर्क के लिए जहाँ पे भी आग से रिलेटेड काम हो रहा है तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, नायलॉन टेरिकॉट ये सब नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ कॉटन पहनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयरन, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियाँ, ठीक है, जो बच्चे खाते नहीं हैं इसलिए आयरन डिफिशियंसीज होती है और उससे क्या होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। तो जो मेन किसके कारण होता है कि अपना इम्पॉर्टेंट सोर्स आयरन का क्या है हमारी बॉडी में, लोहे के लिए हरी सब्जियाँ। नेक्स्ट, हाउ मैनी कैरेट इज द प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट्स का शुद्ध, ठीक है, 24 कैरेट सोना खरा सोना होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? हुज ओर इज सिनेबार? मरकरी का अयस्क है। मरकरी क्या है? एक तत्व है, एक एलिमेंट है, एक मेटल है, धातु है, जो कि किस फॉर्म में मिलती है हमको? लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में मिलती, तरल रूप में मिलती है, जबकि धातु जो होती है वो हमेशा ठोस रहती हैं, पर जो मरकरी है वो लिक्विड है, ये अपवाद है, एस ब्लॉक में रहता है, एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप का ये एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फॉर्म इन रेड बोन मैरो? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? एक्चुअली अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, ये क्वेश्चन ये है, ठीक है। अस्थि मज्जा में क्या बनता है? बोन मैरो में क्या बनते हैं? हमारे आरबीसीज बनते हैं, लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, होप ये सेशन आपको अच्छा लगा है। प्लीज आप एक बार जाके लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, फिर इसके बाद हम मिलेंगे 12 बजे, मैं फिर से मिलूंगी आपको साइंस की जीके एक्सप्रेस की क्लास में। अभी 9 बजे सर जीके एक्सप्रेस लेंगे, फिर 1:30 बजे प्रवीण सर की क्लास होगी, फिर 4 बजे फिर आपकी क्लास होगी एनटीपीसी मॉक टेस्ट की, जहाँ पे हम कंबाइन क्या करते हैं, जीके और साइंस के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। अभी सुबह 7 बज रहे हैं, आप जाके इस सेशन को एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा तो आपको क्या होगा, क्वेश्चंस पूरे याद हो जाएंगे। देखो आप पढ़ते तो बहुत हो, बट आप कितना रिवाइज करते हो या कितना रिटेन कर पाते हो ना दिमाग में, ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ी है और उसको अभी पढ़ा, और अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है तो आपको दोबारा उस चीज़ की रिवीजन की ज़रूरत ना पड़े, आप इतना एक बार में ही पढ़ लो। अगर एक बार पढ़ रहे हो उस चीज़ को उसी टाइम पे 4 से 5 बार रिवाइज कर लो, तो उससे क्या होगा, आपको एकदम याद हो जाएगा, कोई नींद में भी उठा के पूछेगा ना तो आप आंसर दे दोगे फिर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, हैव अ गुड डे।